दरभंगा में राजकीय परिसर में बने काली मंदिर के पुजारी के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से पुजारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वहीं खड़े एक श्रद्धालु को भी गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस दौरान मंदिर परिसर में चल रही गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच मौजूद श्रद्धालुओं ने 3 अपराधियों को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान पिटाई के चलते एक अपराधी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सभी अपराधी कार पर सवार होकर पहुंचे थे और हथियार लहराते हुए मंदिर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने पुजारी की पहचान की और धराधन करीब 1 दर्जन गोलियां पुजारी को मार दी। घटना शहर के विश्वविद्यालय थाने इलाके रामबाग की है। मृतक अपराधी की पहचान पुलकित राज के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि यह दरभंगा के दिल्ली मोड़ का रहने वाला है, जबकि पकड़े गए 2 अपराधी की पहचान अभिषेक राज और अभिजीत मिश्रा है। ये दोनों भी दरभंगा जिले के अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले हैं, जबकि चौथा फरार अपराधी की पहचान आशु ठाकुर के रूप में की गई है, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। इधर जिले के SSP ने कहा ये हत्या मोबाइल विवाद के चलते हुई है। उधर जिस गाड़ी से अपराधी मंदिर पहुंचे थे वो कार विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी के नाम पर दर्ज है। वही जिस अपराधी को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, वो अपराधी इसी कर्मचारी का बेटा बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी के भतीजे से अपराधियों की 2 दिन पहले किसी बात को लेकर बकचक हुई थी और इस बात के चलते अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पहली बार कन्हैया कुमार 22 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं। वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और 22 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे कन्हैया कुमार। मुजफ्फरपुर के सकरा के तिहुली शाख पंचायत में चुनावी रिजल्ट के बाद हर्ष के दौरान फायरिंग करते एक जनप्रतिनिधि का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में वायरल होने के साथ ही हरकत में आए प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार किया। दुर्गा पूजा का रंग चढ़ने के साथ ही पटना में राजनीतिक दलों के दफ्तर में भी दुर्गा पूजा का असर दिख रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। दफ्तर के अंदर और बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, ना तो कोई राजनेता है ना कोई कार्यकर्ता। गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सभी तरह के कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। भाजपा का सहयोग कार्यक्रम और JDU कार्यालय में जनता दरबार भी कई दिनों से बंद है। सन्नाटा देखकर कि शायद आप समझ गए होंगे कि दुर्गा पूजा के रंग में राज्य के राजनीतिक दलों का दफ्तर भी पूरी तरह से रंगीन हो गया है। बेतिया में एक मजदूर की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दिया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत व्यक्ति की पहचान दरबान टोली निवासी शेख अलाउद्दीन के रूप में की गई है, जिसका शव मठ के पास स्थित एक बगीचे से बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची बैरिया थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने कहा कि अलाउद्दीन कल शाम को 7 बजे घर से निकला था और रात घर वापस नहीं लौटा। फिर सुबह सूचना मिली कि चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर शव को बगीचे में फेंक दिया गया है। मधुबनी के लदनिया थाना इलाके के सिद्धवा गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के ही 4 बच्चियां तालाब में नहाने गई हुई थी और इसी दौरान एक बच्ची गहरे पानी में डूब गई। उसे बचाने की कोशिश में दूसरी बच्ची भी डूब गई। घटना के बाद बच्चों ने शोर मचाया, लोगों को जानकारी दी। बाद में ग्रामीणों ने दोनों मृत बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकाला। उधर गांव में एक साथ हुए 2 बच्चों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
सीमा पर एसएसबी 41वीं बटालियन के जवानों ने नेपाल से भारत में प्रवेश करते दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसएसबी के अधिकारी ने कहा कि भारत नेपाल सीमांत पाटनी टंके से जब नेपाल से भारत की ओर दोनों आ रहे थे तो एसएसबी की टीम ने उसे रोक कर जाँच की। जाँच के दौरान जब उसका पहचान पत्र मांगा गया तो उसने कहा कि उसके पास कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं है। इसके बाद दोनों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उन दोनों के पास से बांग्लादेशी करेंसी 60 टाका, 5 बांग्लादेशी सिक्का, 6,930 रुपए नेपाली करेंसी और 2 मोबाइल फोन, बांग्लादेश और भारत के 4 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। छपरा में सरयू नदी में दोस्तों संग नहाने गया युवक की मौत गहरे पानी में डूबने से हो गई। यह घटना मांझी थाना क्षेत्र स्थित सरयू नदी के रामघाट की है, जहां माड़ीपुर गांव निवासी राजेश्वर मांझी का 19 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार अपने भाई और 3 दोस्तों के साथ नहाने गया था। सभी नदी में नहाने के लिए उतरे, लेकिन नहाने के दौरान मोहित और रवि गहरे पानी में चला गया। दोनों को डूबते देख अन्य लड़कों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन रवि को ही बचाया जा सका और मोहित पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलने पर मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गया। वहीं अंचलाधिकारी धनंजय कुमार के निर्देश पर गोताखोर शव ढूंढने की प्रयास में जुटे। खबर पटना से, जहां दीघा थाना इलाके के पंचवटी नगर में पानी से भरे गड्ढे 2 साल के बच्चे की गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाली जमीन में नाले का पानी कई दिनों से गिर रहा था और स्थानीय लोगों के अलावा नगर निगम के लोग भी इस मामले को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। और बताया जा रहा है कि मृतक दुर्गा पूजा में घूमने के लिए अपने परिजनों के साथ जाने वाला था और तैयार होकर घर से बाहर निकला था। इस दौरान पानी भरे गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। ऐसे परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लखीसराय में बढ़िया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बढ़िया पुलिस ने जैतपुर गांव में छापेमारी कर आयशर ट्रक में रखा 43 पॉकेट गांजा एक बाइक को जब्त किया है। गांजा की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि पुलिस को देखते ही गांजा तस्कर रोशन सिंह अपने 3 तस्कर के साथ फरार हो गया। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट किया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव अपने नाते के साथ काला गॉगल्स चश्मा लगाकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर ट्वीट करते हुए तेज प्रताप ने लिखा है कि हमारे पिताजी के ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। अब लालू प्रसाद की इस तस्वीर को पोस्ट करने के पीछे तेज प्रताप का क्या मकसद है, ये तो भला अब तेज प्रताप ही जाने। हालांकि तस्वीर देखकर यह कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद की यह तस्वीर पुरानी दिखाई दे रही है। दुर्गा पूजा की नवमी है और पूरे प्रदेश में पंडालों में पूजा अर्चना हो रही है। वहीं पटना के बीएमपी कैंप में विशेष गोरखा बटालियन के द्वारा अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है और आज भी अस्त्र शस्त्र से यानी पूजा होती है और उसमें AK-47 के साथ साथ सभी तरह के शस्त्र होते हैं। यह परंपरा काफी दिनों से चली आ रही है और आज के दिन कई विधि विधान के बीच शस्त्र की पूजा की जाती है। बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर भारत के 52 बता दें कि 51 शक्ति पीठों में से एक है माँ चंडी का स्थान। मान्यता है कि यहाँ सती का बायां नेत्र गिरा था, इस कारण यहाँ नेत्र की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ के काजल को लगाने से भक्तों के नेत्र की पीड़ा दूर होती है और साथ ही राजा कर्ण यहाँ से माँ रोजाना या 1.25 मन सोना लेकर लोगों में दान दिया करते थे। यह शक्तिपीठ पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसके पूर्व और पश्चिम में शमशान स्थल है। इस कारण चंडी का स्थान को शमशान चंडी के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान अलग अलग जगहों से साधक तंत्र सिद्धि के लिए भी यहाँ जमा होते हैं। चंडी का स्थान में नवरात्र के अष्टमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।